फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आईटीआई के सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप आईटीआई का सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सा आपको काम करना है, आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले जो है कि कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जो है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है NCVT। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से NCVT सर्च करना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से NCVT सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से नीचे आना है, और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही है NCVT MIS, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से NCVT MIS.gov.in पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर साइड में देखिए, आपको 5-6 ऑप्शन दिख रहा होगा। होम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आईटीआई का दिख रहा होगा, ट्रेनिंग का दिख रहा होगा, वेरिफिकेशन का दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो ट्रेनिंग का ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से ट्रेनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 3 रिजल्ट शो होगा, एक ट्रेनी सर्च, दूसरा ट्रेनी प्रोफाइल और तीसरा ट्रेनी वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ट्रेनी प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ से ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से ट्रेनिंग प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए दिया गया है कि इंटर डिटेल्स टू व्यू ट्रेनिंग प्रोफाइल। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले भर देना है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो देखिए पूछ रहा है कि फादर एंड गार्जियन नेम। तो यहाँ से आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। फिर उसके नीचे देखिए दिया गया है कि इंटर इमेज टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो इमेज में टेक्स्ट दिया गया है, जो ये कैप्चा दिया है, इसको आपको भर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए दिया गया है कि रिमेंबर मी। तो यहाँ से अगर आपको याद रखना है जो सब डिटेल्स आप भरेंगे तो यहाँ से आप रिमेंबर मी कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी आप सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि जब फ्रेंड्स आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो उसके आगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन देगा। उससे जो है कि आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है कि आप आईटीआई के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कि आईटीआई के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।